अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जिले भर में सभी धार्मिक व स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव को धूमधाम के साथ जिले में मनाया गया। इसी तरह बस स्टैंड के सभी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के द्वारा बस स्टैंड में सुंदरकांड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बस ऑपरेटर उपस्थित रहे और देर शाम को महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जिले भर में अलग ही धूम दिखाई दे रही है, जिसको लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर स्वयंसेवी संस्था व धर्म प्रेमी बंधुओं के द्वारा विशेष सजावट की गई। तो वहीं स्थानीय बस स्टैंड में बस ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बस ऑपरेटर के द्वारा बस स्टैंड में पंडाल लगाकर डीजे की धुन पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया और देर शाम को महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। इसी कड़ी में उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में महिला मंडल के द्वारा दुर्गा मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें महिला मंडल के द्वारा भक्ति गीत गाकर भगवान श्री राम को याद किया गया, जिसमें पूर्व पार्षद अनिल सोनी के द्वारा बताया गया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में बूढ़ी स्थित दुर्गा मंदिर में स्थानीय महिलाओं के द्वारा सुबह से ही मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की गई, साथ ही दोपहर में भजन कीर्तन कर भगवान श्री राम को भी याद किया गया। गर्भवती सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में भारत की एकात्मता के भारत के वैभव के इस अद्भुत तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है और वो संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वो संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वो संदेश है कृणवन्तो विश्वमाद्यम का, वो संदेश है वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहे और राष्ट्र निर्माण में हम चांगटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टीकाखारी तिराहे स्थित दुकान से अज्ञात चोरों ने दुकान में रखा इलेक्ट्रिक सामानों की चोरी कर ली, जिसकी शिकायत पर चांगटोला पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वार्थी नीतीश पिता उदयचंद झारिया उम्र 36 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 6 ग्राम अरनामेटा थाना चांगटोला ने शिकायत दर्ज करवाई कि ग्राम टीकाखारी तिराहे में उसकी दुकान है, जिसमें से अज्ञात चोरों ने लैपटॉप प्रिंटर डोंगल कैमरा गैस टंकी लेमिनेशन मशीन व मोबाइल एसेसरीज इलेक्ट्रिक सामान चोरी कर लिया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 60,000 रुपये है। फरियादी से मिली शिकायत पर चांगटोला पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा 457 380 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम को उत्सव की तरह मनाया गया। इसी तरह ग्राम हट्टा के सप्ताह मंदिर से भी ग्रामीण महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। प्रातः श्री राम लला जी की रथ यात्रा सार्वजनिक सप्ताह मंदिर से प्रारंभ करते हुए ग्राम हट्टा की प्रत्येक सड़कों से गुजरते हुए जय श्री राम के उद्घोष करते हुए ग्रामीण जन राम भक्ति में लीन दिखाई दिए।
ग्रामीण क्षेत्र से निकाली गई यह कलश यात्रा श्री राम जी की रथ यात्रा संपूर्ण ग्रामों का भ्रमण करते हुए प्रत्येक मंदिरों में पूजा अर्चना की गई और प्रत्येक गांवों में भी श्री राम के उद्घोष के नारे लगवाए गए। हट्टा क्षेत्र के ग्राम पंचायत डूंडा सिवनी नहरवानी पराशपानी मोहगांव फालवा गोदरी डोंगरगांव बटकरी तिवड़ी कला माटी केशा मड़का पार खोड़ सिवनी समेत अन्य विभिन्न गांवों में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। नगर पालिका के द्वारा शहर में नई पाइपलाइन बिछा दी गई हो, किंतु बहुत से ऐसे वार्ड है जिसमें वार्ड वासियों के द्वारा आज भी पुरानी पाइपलाइन से ही पानी ले रहे हैं, और यदि पुरानी पाइपलाइन बंद हो जाती है तो वार्ड वासियों को इससे खासा परेशानी भी होती है। ऐसा ही मामला 22 जनवरी को शहर के कुछ वार्डों में देखने को मिला, जहां पर पुरानी पाइपलाइन से सुबह से ही नगर पालिका ने पानी प्रदाय नहीं दिया, जिससे जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं जब हमारे द्वारा पता किया गया कि पुरानी पाइपलाइन से पानी क्यों नहीं आया, तब हमें पता चला कि टेक्निकली कुछ परेशानी आने की वजह से पुरानी पाइपलाइन को कुछ समय के लिए बंद किया गया है। आपको बता दें कि नगर पालिका के द्वारा पुरानी पाइपलाइन को बंद करने के उद्देश्य से शहर में नई पाइपलाइन बिछाई गई, जिससे वार्डवासियों को पानी दिया जा सके, किंतु बहुत से वार्ड ऐसे हैं जो आज भी पुरानी पाइपलाइन के भरोसे ही पानी ले रहे हैं, और यदि पुरानी पाइपलाइन बंद हो जाती है तो वार्डवासियों को उससे खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनके घरों में पानी की किल्लत उत्पन्न हो जाती है। ऐसा ही नज़ारा 22 जनवरी को शहर के वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 15 और बैयर रोड के कुछ वार्डवासियों को यहाँ देखने को मिला, जहाँ सुबह से ही लोग अपने घरों में नगर पालिका के नलों से पानी आने का इंतजार करते रहे, किंतु सुबह से शाम हो गई पर नगर पालिका की पाइपलाइनों में पानी नहीं आया। जबकि ऐसा नहीं है कि इन वार्डवासियों के यहाँ नई पाइपलाइन लगी नहीं हो, जबकि उन्होंने नई पाइपलाइन भी लगा ली, किंतु आज भी नई पाइपलाइन में ऐसे बहुत से वार्डवासी हैं जिनके घरों में ना ही वहाँ नई पाइपलाइन से पानी आ रहा है और ना ही नगर पालिका इस समस्या पर ध्यान दे रही है। हमारे पाइपलाइन में ऐसे ऊंची तरफ तो पानी ऐसे बूंद बूंद टपकता आता ही नहीं है उस नए नल में पानी, तो और आज जो पुराना नल चल रहा था आज तो वो भी नहीं आया है नल, हम लोग को तो पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। किस प्रकार की समस्या आ गई, फिर कैसे मैनेज किया आज? आज हम लोग वही, अभी तक तो कोई पानी नहीं, अब शाम को ये जो आसपास के नल में जो थोड़ा बहुत आ रहा है तो उसमें से हम लोग ने पाइप लगाया है टाके में, अब जो भी थोड़ा बहुत मिल जाए उस तरीके से। जैसे कि पुरानी पाइपलाइन को बंद करने का चल रहा है, तो क्या आपके यहाँ नई पाइपलाइन से पानी आ रहा है पर्याप्त, या फिर क्या दिक्कत है? पर्याप्त क्या, हमको तो एक बाल्टी पानी भी नहीं मिल रहा है नई लाइन में, तो किसी समय आता है किसी समय नहीं आता भी है, तो बिल्कुल ऐसी बारीक धार आती है बिल्कुल, कि हम अगर बाल्टी में लगाना है, बाल्टी में तो चढ़ता भी नहीं है पानी अगर बाल्टी में पाइप लगाए तो। नगर पालिका से क्या मांग करेंगे?
नगर पालिका से ये है कि हम लोग की या तो पुरानी लाइन ही चालू रहने दे, और अगर नई लाइन को पूरा सही कर रहे हैं तो भी हमारी पूरी पाइपलाइन इस तरीके से कि फोर्स से हमको पर्याप्त पानी मिल जाए। हम लोग की दो दो तीन तीन फैमिली है यहाँ पे, तो हम लोग को पानी पूरा होना चाहिए, तो पाइपलाइन को ठीक कराओ। नई भी है पुरानी भी है, नई में पानी बहुत कम आता है और वो भी रोज नहीं आता, हफ्ते 10 दिन में कभी आता है, 10-5 मिनट आता है, और वो भी बूंद बूंद पानी आता है, बंद हो जाता है। पुरानी पाइपलाइन में आता था पानी तो काम चल रहा था उससे, अभी एक हफ्ते से पानी उसमें भी बूंद बूंद आ रहा था, लेकिन आज सवेरे से पानी बिल्कुल बंद हो गया। नगर पालिका में बात किए थे चाचा आपने? हाँ, नगर पालिका में किया, सीओ से किया, सीएमओ से किया। क्या कहना, पार्षद से किया, क्या क्या बोल रहे हैं, ये ठीक हो पाएगा बोल देखते रहे हैं? बोलते देख रहा हूँ, बोले गुड्डू से भी बातचीत किया, देखता हूँ बोले। तो पानी भाई पुरानी पाइपलाइन से चालू कर दे पानी, नए से नहीं हो रहा है। नए वाले को तुम पेमेंट दे रहे हो, नहीं दिए हो, ये इससे कोई मतलब नहीं हमको, लेकिन पुरानी पाइपलाइन को चालू रखो ना कम से कम, हमको पानी की पूर्ति तो हो जाए। क्या मालूम आज पानी आया ही नहीं, आज सुबह ना मालूम क्या हुआ क्या नहीं, तो आज पानी आया ही नहीं। और पुराना भी जो नीला नल जो है इसमें भी बहुत मुश्किल से पानी आता है हमारे यहाँ पे, और वही परेशानी है पानी की, और वो आज पानी तो वैसे भी मिला भी नहीं हमको बिल्कुल। और जो नई पाइपलाइन लगी उसमें क्या स्थिति है? उसमें शायद आता है, मगर वो हमको सुबह जो पानी आता है उसी से भरते हैं जी, मतलब उतना फोर्स नहीं आता है क्या? जी नहीं। तो अगर अभी शायद बंद करने का भी चल रहा है पुरानी पाइपलाइन को, फिर क्या होगा? तो फिर देखते हैं, अब जैसा भी कंडीशन होगी तो फिर अब उनसे जो मतलब बनेगी स्थिति तब देखेंगे। ठीक। जब इस पूरे विषय को लेकर जब हमारे द्वारा नगर पालिका के अध्यक्ष भारती ठाकुर से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 1-2% शहर में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, किंतु अभी नगर पालिका के द्वारा सतत इस विषय में काम किया जा रहा है और जल्द ही हो रही समस्या का निराकरण भी किया जाएगा। और यदि कहीं ज़्यादा पानी को लेकर स्थिति खराब होती है तो वहाँ पानी के टैंकर भिजवा कर भी वार्डवासियों की समस्या का भी समाधान करेंगे, किसी को भी शहर में पानी की समस्या से परेशान होने नहीं दिया जाएगा। 500 वर्षों की तपस्या और कड़े संघर्ष के बाद 22 जनवरी का दिन संपूर्ण देश और जिले वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जहां अयोध्या के राम मंदिर में आयोजित भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस दिन सुबह से लेकर देर रात तक जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। तो वहीं सोमवार का दिन भक्तिमय बना रहा, जहाँ दिन भर अलग अलग विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कर राम भक्तों के द्वारा इस दिन को राममय बनाया गया। तो वहीं सुबह से लेकर देर शाम तक भक्तगण भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। तो वहीं घर में सुबह से लेकर देर रात तक जगह जगह जय श्री राम के गगनचुंबी नारे और जय घोष से आसमान गुंजायमान होता रहा। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर नगर का माहौल राममय हो गया। सुबह से ही श्री राम मंदिर और हनुमान मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के शहर के विभिन्न स्थानों में बड़ी एलईडी टीवी में भी लाइव प्रसारण लोगों के द्वारा देखा गया। 22 जनवरी को राममय हुई नगरी में जहां मंदिरों में भजन कीर्तन के स्वर सुनाई दिए, तो वहीं नगर के चौक चौराहों पर राम स्वर लहर सुनाई दे रही थी। वही मंदिरों में हवन पूजन के साथ ही महाप्रसाद के रूप में भंडारा भी वितरित होता रहा। यह भक्ति का यह सिलसिला सोमवार की सुबह से देर रात तक जारी रहा, जहां राम भक्तों ने अलग अलग विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर प्राण प्रतिष्ठा के इस महोत्सव को यादगार बनाया। सोमवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंदिर में हुए भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर नगर के विभिन्न कार्यक्रमों के जहां नगर के हृदय स्थल कालीपुतली चौक स्थित हनुमान मंदिर में आयोजित राम भजन में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ ने भी पहुंचकर राम भक्तों के साथ भजन किया। सोमवार को मुख्यालय सहित जिले के सभी धार्मिक स्थलों पर प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अधिकारी वर्ग कर्मचारी वर्ग से लेकर विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी ने पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, तो वहीं उन्होंने इस अद्भुत क्षण को यादगार बनाने में अपनी अहम भूमिका भी निभाई।
भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम को हजारों की संख्या में लाइव प्रसारण के माध्यम से नगर में देखा गया। जहां लाइव प्रसारण के दौरान जगह जगह एलईडी स्क्रीन के समक्ष लोगों की भीड़ जुटी रही, तो वहीं जगह जगह जय श्री राम का जय घोष दिन भर भी चलता रहा। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विभिन्न चैनलों और सोशल मीडिया साइट्स पर पूरा दिन होता रहा। जो अयोध्या नहीं पहुँच सके वह रामलला का सीधा प्रसारण घरों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए एलईडी टीवी के माध्यम से देखते रहे। बालाघाट में अयोध्या के भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भाजपा कार्यालय मोतीनगर के दुर्गा मंदिर सहित नगर के विभिन्न चौक चौराहों में एलईडी स्क्रीन टीवी के माध्यम से लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के साथ कार्य सेवक रही श्रीमती लता इलकर, रमेश रंगलानी, रेखा बिसेन सहित बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वहां देखा। वहीं इसी अनुपम और ऐतिहासिक घटना के साक्षी भी बने। इस दौरान जय श्री राम के जय घोष गुंजायमान होते रहे, तो वे नगर के विभिन्न चौक चौराहों में भी लाइव प्रसारण को देखने के लिए जगह जगह भीड़ जुटी रही। तो वहीं कई लोगों ने इस अद्भुत पल को अपने कैमरे में भी कैद कर इसे यादगार पल बनाया। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा नगर में अम्बेडकर चौक से हनुमान चौक तक की डिवाइडर सड़क के एक ओर 111,111 राम ज्योति प्रज्वलित की गई, जिसकी रोशनी से नगर जगमगा उठा। सुबह से इस आयोजन की तैयारियां राष्ट्रीय विचार मंच और सहयोगी संस्थाओं ने शुरू कर दी थी। मार्ग पर दीपों को कतारबद्ध करने की प्रक्रिया प्रातः से ही प्रारंभ हो गई है। इस अवसर पर अनुपम छटा बिखेरती हुई आतिशबाजी का नजारा भी दिखाई दिया, जहां दीपों से भगवान श्री राम का जगह जगह नाम लिखकर दीप प्रज्वलित किए गए, तो वहीं जगह जगह आतिशबाजी कर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर खुशियां भी मनाई गई। वारासणी नगर सहित क्षेत्र में 22 जनवरी को अयोध्या के नूतन मंदिर में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान नगर में सुबह से ही मंदिरों सहित विभिन्न स्थानों पर धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित किया। वारासणी नगर के श्रीराम मंदिर में श्री रामलला महोत्सव समिति के द्वारा अयोध्या में भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बड़ी स्क्रीन पर किया गया। यहां पर नगर सहित क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस ऐतिहासिक दृश्य के साक्षी बने। वहीं श्री रामलला का दर्शन कर आशीर्वाद भी ग्रहण किया। इस दौरान कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा की आरती प्रारंभ होने पर भगवान श्री रामलला के छायाचित्र का पूजन कर आरती की गई। इसके पूर्व आतिशबाजी भी की गई। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए वर्ष 1991-92 के आंदोलन में नगर सहित क्षेत्र के कार सेवक के रूप में अयोध्या जाकर आंदोलन में भाग लेने वाले कार सेवकों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित भी किया गया, जिसमें जीवंत कार सेवक व स्वर्गीय हो चुके कार सेवकों के परिवारों को शाल श्रीफल माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया और उनके कार्यों की प्रशंसा भी की गई। इसके बाद महाप्रसादी के रूप में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। स्वर्गीय श्री सूरज प्रसाद जी दुबे, रामनारायण जी दुबे या उनकी अच्छा माता जी आ रही है, दादी आ रही है, बहुत बहुत अभिनंदन। नमक लेके आओ बेटा। कृष्णा जी पार्थी परिवार से जो लोग आए वो भी आ जाए। स्वर्गीय श्री कृष्णा जी पार्थी जी जी हाँ मीडिया से गए थे ना, बहुत बढ़िया।
वहीं नगर के नेहरू चौक पर व्यापारी परिवार के द्वारा भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां से 56 भोग की शोभा यात्रा निकाल ली गई। यह शोभा यात्रा नगर के नेहरू चौक से अंबेडकर चौक, गोलीबारी चौक सहित विभिन्न चौक व गलियों का भ्रमण करते हुए श्री राम मंदिर पहुंची। यहां 56 भोग लगाकर यह शोभा यात्रा वापस नगर के विभिन्न चौक चौराहा का भ्रमण करते हुए नेहरू चौक पहुंची, जहां पर भगवान श्री रामलला की महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। नगर के नेहरू चौक से जयस्तंभ चौक के मध्य व्यापारी परिवारों के द्वारा आयोजित महोत्सव कार्यक्रम में रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें नगर व क्षेत्र के बालक बालिकाओं के द्वारा मार्ग पर विभिन्न विषयों को लेकर शानदार रंगोलियां भी उकेरी गई। इसमें मुख्य रूप से भगवान श्री राम की रंगोलियां बनाई गई। इस दौरान करीब आधा सैकड़ा लोगों के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया गया। वहीं संस्कार भारती के द्वारा रंगोली कलाकारों में ब्रजेश सेंद्रे, ऋषांत, सुशांत, अविरल ने अयोध्या के श्री राम की जीवंत प्राकृतिक रंगोली के माध्यम से उकेरते हुए विभिन्न प्राकृतिक आकृति को प्रस्तुत किया। इसी कड़ी में गोंदिया रोड में दीपोत्सव देखने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा था। जिस तरह दशहरा में रावण दहन व दुर्गा उत्सव में माता रानी की प्रतिमाएं देखने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ता है, उसी तरह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा गोंदिया रोड में हनुमान चौक से लेकर अम्बेडकर चौक तक 1,11,111 दिए जलाए गए, जिसे देखने के लिए गोंदिया रोड पर लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। एक से एक आकार देकर दीपों को सजाकर उसे शाम करीब 6:15 प्रज्वलित किया गया। दीप प्रज्वलित होने के बाद लोगों की भीड़ इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंची। लोगों ने अम्बेडकर चौक से हनुमान चौक तक पैदल चलकर इस दीपोत्सव का आनंद लिया। वहीं शहर के कालीपुतली चौक में अयोध्या राम मंदिर के शानदार लकड़ी से बना मंदिर स्वरूप की झांकी रखी गई, जहां दिन भर लोगों के मोबाइल से फोटो खिंचवाने का या सेल्फी लेने का होल्ड भी लगी रही। वहीं घर घर में
दीपावली की तरह इस पर्व को भी मनाया गया। राम भक्तों ने घर घर इस पल को दीपावली की तरह मनाया। घर आंगन में रंगोली बनाकर रंग बिरंगी लाइटिंग से सजावट कर दीप जलाए गए। रामलला के आगमन की खुशियां मिठाइयां बांटकर फुलझड़ी व आतिशबाजी कर मनाई गई। प्राण प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर नगर में देर रात तक आतिशबाजी भी देखी गई। दीपावली की तरह शहर में शाम 6 बजे के बाद देर रात तक दीपावली की तरह पटाखों की गूंज भी सुनाई दी। वहीं हनुमान चौक, अली पुतली चौक सहित गोंदिया रोड के आसमान में आकर्षक आतिशबाजी का नजारा भी दिखाई दिया। रंगोली बनी है वो ले। देखो